डियर स्टूडेंट्स एंड डियर वीवर्स सब्जेक्ट एजुकेशन क्लास ट्वेल्थ तो आज का जो टॉपिक है दैट इज भागवन सही कमेटी नाइनटीन हंड्रेड सेवनटी टू माई डर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि काजमी रिपोर्ट या काजमी रिकमेंडेशनस इससे पहले हमने डिस्कस किया खोजा सईदेन का रिपोर्ट तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवान सही कमेटी 1972 उनका इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी क्या रिपोर्ट था जो इम्प्लीमेंट के लिए यहाँ जे के में लाया गया माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो मिस्टर भगवन सहे थे इन्होंने ये पहले केरला के गवर्नर थे उसके बाद 1967 में उन्होंने चार संभाला एज गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डियर स्टूडेंट्स तो इन 1972 अप्रैल अप्रैल का महीना था उन्नीस में जे के गमेंट जो थी उस टाइम की उन्होंने अपॉइंट किया एक कमेटी को उन्होंने अपॉइंट किया उस कमेटी का नाम पड़ा सहे कमेटी ऑन एजुकेशन टू एग्जामिन एंड टू हैव ए क्विक अप्रेजल फॉर द एजुकेशनल पॉलिसीज़ यानी यहाँ की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी यहाँ का जो एजुकेशनल निज़ाम था उसको ऑब्ज़र्व किया उन्होंने उस कमेटी का मकसद ये था कि एजुकेशनल निज़ाम जो था जे के में उसको ठीक करना यहाँ पे कौन सी वीकेस्ट एरियाज हैं उन वीकेस्ट एरियाज पे काम करना तो एक कमेटी अपॉइंट की गई हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर भगवान सहे तो उस कमेटी का नाम ही पड़ा भगवान सही कमेटी 1972 में अप्रैल 1972 में जे की के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया चूँकि भगवान सही ने ऑलरेडी 1967 में चार संभाला हुआ था गवर्नर ऑफ जे के स्टूडेंट्स फिर उन्होंने एग्जामिन किया कि यहाँ की एजुकेशनल पॉलिसी जो है एजुकेशन जो है ए, इसकी कंडीशन क्या है उसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए उस कमेटी ने तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम ये देखें कि उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे मेंबर्स ऑफ द कमेटी श्री भगवान सहे जो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट उस टाइम थे वो इस कमेटी के चेयरमैन थे और श्री जे पी नायक एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली नंबर थर्ड जो मेंबर थे दैट इज़ श्री जी परथा uh, सरथी वाइस चांसलर जे एन यू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली उस टाइम के थे फिर से रिपीट करूँगा मैं श्री जी परथा सराथी वो जे एन यू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस वक्त के न्यू दिल्ली डॉक्टर एम एस uh, स्वामीनाथन वो डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली, श्री एन आर मुखर्जी चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, प्रोफेसर आगा अशरफ अली हेड ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर मिस महमूदा अहमद अली शाह प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन श्रीनगर प्रोफेसर सत्याभूषण जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू द सही कमेटी जो थी इन्होंने अपना रिपोर्ट जो सबमिट किया जे एंड के गवर्नमेंट को नाइनटीन सेवेंटी थ्री में यानी ये इसके मेम्बर्स थे जो मैंने अभी इनके नाम पढ़े मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा आपके लिए श्री भगवंत सहे गवर्नर ऑफ जे एंड के स्टेट इस कमेटी के चेयरमैन थे उसके बाद श्री जे पी नाइक एडवाइजरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू डेली नंबर थर्ड जो मेंबर थे इसके वो थे श्री जी प्रथा सरथी श्री जी प्रथा सराथी वाइस चांसलर ऑफ़ जे एन यू न्यू डेली नंबर फोर्थ मेंबर जो इस कमेटी के थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वो डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स न्यू डेली थे नंबर फिफ्थ एन आर मुखर्जी चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त के नंबर सिक्स्थ प्रोफेसर आगा अशरफ अली ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर नंबर सेवनथ मिस महमूदा अहमद अली शाह प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वमेन्स श्रीनगर प्रोफेसर सत्याभूषण जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू ये इस कमेटी के मंबर्स थे डियर स्टूडेंट तो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यानी रिकमेंडेशन पेश की इन जनवरी 1973 में डर स्टूडेंट्स कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एरिया इन दो था दैट वॉज जो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स थी यानी जो ट्रेन टीचर्स थे वो कम थे ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो थे इसमें थोड़ी वीकनेस थी इसमें सबसे ज्यादा वीकनेस थी ये कमेटी ने ऑब्जर्व किया माय डियर स्टूडेंट ये देखा गया कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जो ओनली सिक्सटी थ्री परसेंट ट्रेन टीचर्स वायर इन प्राइमरी स्कूल सेवेंटी एट परसेंट टीचर्स इन मिडिल स्कूल्स एंड एट्टी नाइन टीचर्स इन सेकेंडरी स्कूल यह ऑब्ज़र्व किया गया उस टाइम कि सिर्फ़ सिक्सटी थ्री परसेंट ट्रेन टीचर्स काम कर रहे हैं मिडिल प्राइमरी स्कूल में और 78 एट मिडल स्कूल में एटी नाइन सेकेंडरी स्कूल में यानी ट्रेन टीचर्स तो माई डेयर स्टूडेंट्स तो कमिटी ने यह ऑब्जर्व किया कि वन ऑफ द वीकेस्ट एरिया इन द स्टेट जो था देट दैट आफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स तो डयर uh, स्टूडेंट्स और ये भी देखा गया कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर जो दो साल की थी उनको सिर्फ एक साल की ट्रेनिंग दी जाती थी और एंड वन मोर थिंग वाज दैट देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इन सर्विस एजुकेशन और ये भी देखा ऑब्ज़र्व किया गया कमेटी के कमेटी ने यह भी ऑब्ज़र्व किया कि जो टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स थे दे वर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड उनके पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ नहीं था उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए था एडिकेट बिल्डिंग्स नहीं थी लैंड थी नहीं था लेबॉरटरीज लाइब्रेरीज हॉस्टल्स इन चीज़ों की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी इन टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स में तो इनको देखकर कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया रिकमेंडेशन दी तो नंबर फर्स्ट जो रिकमेंड इन्होंने किया दैट वाज पहला जो पॉइंट सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी

नंबर सेकंड क्वालिफाइड टीचर्स क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड इन जिस तरह आपने पिछली वीडियोस में भी देखा पढ़ा स्टडी किया कि हर एक चाहे वो काजमी रिपोर्ट है चाहे वो ख्वाजा गुलाम सैदी ने उन सबों ने फोकस किया ज़्यादा ज़ोर दिया इस पर कि क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स होने चाहिए इन टीचर ट्रेनिंग स्कूल में कॉलेज में मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी टीचर्स इन ट्रेनिंग कॉलेज जो थे यानी नाव देशन जो बी एड कॉलेज हैं दे शुड है मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन दैट इज एम एड डियर स्टूडेंट्स नंबर फोर्थ अटैचड मॉडल स्कूल यानी मॉडल स्कूल शुड भी अटैचड विथ टीचर एजुकेशन स्कूल और कॉलेज फॉर प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए एक मॉडल स्कूल अटैच होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विथ टीचर एजुकेशन स्कूल माई डियर स्टूडेंट्स रिसोर्स पर्सन यानी सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स रिसोर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड यानी जिस तरह आप आज देखते हो जो टीचर्स हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग दी जाती है साइंस सब्जेक्ट वाइज टीचर हमारे जो आर पीज़ हैं जिनको रिसोर्स पर्सन कहा जाता है उस टाइम भी ये कहा गया है कि इन पर्सनस को आइडेंटिफाई किया जाए मैथ के टीचर को साइंस के टीचर को बाकी सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को ताकि वो एंड दे ट्रेनड थ्रू सब्जेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग यानी एन सी आर के थ्रू uh, उनको ट्रेनिंग दी जाए उनको ताकि वो दूसरे टीचर जो स्टेट में काम कर रहे थे उनको सब्जेक्ट वाइज फिर आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके तो इसके बाद नंबर सिक्स दैट इज़ इन सर्विस प्रोग्राम सर्विस प्रोग्राम सच एज कंप्लेक्स प्रोग्राम यानी रिफ्रेशर कोर्सेज जिस तरह आपने पिछले वीडियोज़ में भी देखा रिफ्रेश कोर्सेज होने चाहिए जिससे टीचर्स की नॉलेज ज़्यादा इम्प्रूव हो उनके स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव हो माई डियर स्टूडेंट्स डेवलप उनके स्किल्स डेवलप हो एंड दीज कोर्सेज बेस्ड ऑन सेलेक्टेड थिंग एंड रिफ्रेश कोर्सिज ऑफ टू मंथ्स ड्यूरेशन शुड बी स्टार्टेड फॉर एवरी टीचर ऑफ फाइव ईयर सर्विस यानी दो मंथ की रिफ्रेश कोर्स uh, स्टार्ट होने चाहिए फॉर एवरी टीचर ईयर सर्विस माई डियर स्टूडेंट्स तो ये थी ऑफ़ मिस्टर भागवंत सही कमेटी जो 1973 में उन्होंने uh, पेश किया उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कमिटीज़ रिकमेंडेशन उनका इम्पैक्ट क्या कैसा रहा रिकमेंडेशन जब उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट किया उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा ऑन टीचर ट्रेनिंग क्योंकि सबसे वन ऑफ द विकेस्ट पॉइंट जो यहाँ पे था डेट वॉज ऑफ टीचर ट्रेनिंग डी आर स्टूडेंट तो नंबर फर्स्ट जो इम्पैक्ट उनका रहा है दैट इज़ द बैक लॉग टीचर्स दैट वॉग बैक लॉग ऑफ अन दैट वाज रिड्यूसड टीचर ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज जो थे दे वायर प्रॉपरलीफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनड स्टाफ उनको ट्रेनड स्टाफ प्रोवाइड किया गया उनको फुली इक्विप किया गया यानी बिल्डिंग्स प्रोवाइड की गई लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड की गई लेबॉट्रीज़ प्रोवाइड की गई लैंड प्रोवाइड किया गया और क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड किए गए नंबर थर्ड जो था सर्विसेज ऑफ एन इसकी रुकेशन भेजी गई किस लिए इन द प्रप्रेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स पर्सन यानी जो आर पी थे सब्जेक्ट वाइज ताकि उनको आइडेंटिफाई uh, किया गया तो फार फर्दर ट्रेन टीचर्स टू इम्प्रूव यानी पहले उनको आइडेंटफाई किया गया फिर उनकी एन सी आर टी के तहत ट्रेनिंग उनको फिर से ट्रैंड किया गया यानि उनको अपने अपने सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग दी गई फिर आगे जाके उन्होंने फर्दर ट्रेंड टीचर्स जो स्टेट में काम कर रहे थे उनको ट्रेनिंग दी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन इन जे एंड के माई डयर इस्टूडेंट्स ये थी कुछ रिकमेंडेशन और इम्पैक्ट ऑफ दिस मिस भागवंत साहे कमीटी इसकी और भी Uh, कुछ रिकमेंडेशन है माई स्टूडेंट्स वो आप ख़ुद किताबों में पढ़िए क्योंकि अगर हम वो सारा यहाँ पे इस वीडियो में करें तो ये वीडियो एक घंटे का एक घंटे से ज़्यादा हो जाएगा फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे टू जी की सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे जे के स्टेट में इस वक्त तो इन्होंने कुछ और भी यानी न्यू एजुकेशनल पैटर्न जिस जिसपे ये कहा गया कि प्राइमरी स्टेज जो था वो फर्स्ट टू तो फिफ्थ होना चाहिए यानी सिक्स टू अलेवन एज ग्रुप इसी तरह मिडल स्कूल स्टेज जो है वो सिक्स टू तो होना चाहिए फ्रॉम अलेवन टू फोटीन एज ग्रुप इसी तरह सेकेंडरी स्टेज का फाइव फोर ईयर प्लान होना चाहिए ये सारा कुछ इस कमेटी ने बताया और ये भी इन्होंने कहा कि इनफॉर्मल और पार्ट टाइम एजुकेशन होनी चाहिए ओन स्टूडेंट्स के लिए यानी जो फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव एज ग्रुप है जिन्होंने किसी रीज़न की वजह से एजुकेशन छोड़ी है या जिन्होंने जिनकी फार्मल स्कूलिंग अर्ली स्टेज पर नहीं हुई है उनके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन होना चाहिए और उसके लिए कोई अलग से बिल्डिंग नहीं बनानी है कोई अलग से जगह नहीं लो आइडेंटिफाई करनी है उनके लिए यही बिल्डिंग जो हमारे स्कूल थे तो ये कहा गया है इवनिंग क्लासेज शुरू करो या मॉर्निंग में ही उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो तो इसी तरह मास मीडिया का कहा गया उनके लिए थ्रू मास मीडिया फिल्म रेडियो वगैरह टेलीविजन उसके लिए उन बच्चों तक एजुकेशन पहुँचाई जाए इसी तरह और भी कुछ रिकमेंडेशन है वो आप ख़ुद किताबों में करिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है प्लीज़ और प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ माई डियर स्टूडेंट्स कि किताबें खोली खुद पढ़िए क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि मास प्रमोशन हो जाएगी मास ऐसा नहीं है क्योंकि आज से दो चार दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि कोई मास प्रमोशन नहीं होगी आपका एग्ज़ाम वक्त पे होगा चाहे वो ऑनलाइन होगा या इसी तरह होगा जिस तरह एग्जाम्स होते थे इसीलिए मैं आपको आपसे मेरी रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ और प्लीज़ अपनी किताबें खोलिए पढ़िए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए और इस किताबों को पढ़ने से आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स थैंक यू आज के लिए इतना ही